एक चौवन में होगा ना स्टार्ट, अगर स्टार्ट ना होगा दिस लाइव इवेंट विल बिगिन इन 2 मिनट में स्टार्ट होगा, तो वेट कर लेते हैं, देख लेता हूँ तब तक कुछ। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसी चल रही तैयारी आप लोगों की? आई होप कि आप लोगों ने जो कल वाली क्लास रिवाइज की होगी, रिवाइज किया या नहीं किया जल्दी से बताइए। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं नेशनल पार्क्स के ऊपर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के ऊपर, उनके ऊपर जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम क्वेश्चन देखेंगे किस टाइप क्वेश्चन आते हैं इसमें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंस 2013 द उड़ीसा गवर्नमेंट हैज बैंड द मैकेनाइज फिशिंग विद इन 20 किलोमीटर ऑफ द स्टेट्स कोस्ट प्री डोमिनेंटली फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फौना। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं मैं, सिंस 2013 द उड़ीसा गवर्नमेंट हैज बैंड द मैकेनाइज्ड फिशिंग विद इन 20 किलोमीटर ऑफ द स्टेट्स कोस्ट प्रीडोमिनेंटली फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फौना। ए ऑलिव रेडलेट टर्टल्स, बी सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स, सी हिल्सा फिश, डी मैंग्रोव क्रैब। जल्दी से बताइए आप लोग। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका ए। ठीक है, ऑलिव रेडलेट टर्टल्स, द एफर्ट्स ऑफ ओडिशा गवर्नमेंट आर सेंटर्ड अराउंड प्रोटेक्शन ऑफ ऑलिव रेडलेट टर्टल्स, दीज आर ओनली सी टर्टल्स टू एग्जिबिट सिंक्रोनस मास नेस्टिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर फाउंड इन वाइल्ड नेचुरल हैबिटेट इन इंडिया। जल्दी से बताइए, चिंपैंजी, गोरिल्ला, चीता, स्नो लेपर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर फाउंड इन वाइल्ड नेचुरल हैबिटेट इन इंडिया, चिंपैंजी, गोरिल्ला, चीता, स्नो लेपर्ड। आंसर इज डी, स्नो लेपर्ड। ठीक है, और द फर्स्ट थ्री आर नॉट फाउंड इन इंडिया इन वाइल्ड, स्नो लेपर्ड इज फाउंड एटलीस्ट 5 नॉर्दर्न स्टेट्स। ठीक है, आगे बढ़े, आंसर करिए। आप लोग आंसर नहीं कर रहे हैं, रिप्लाई नहीं कर रहे हैं इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नामधापा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है ऐसे, इसको भी देखिए। नामधापा नेशनल पार्क is located in which of the following states? Assam, Arunachal Pradesh, Manipur, Mizoram। लगता है रिवाइज नहीं किया आप लोगों ने कल। नामदापा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम। देखते हैं इसका आंसर। करेक्ट आंसर इज बी, अरुणाचल प्रदेश। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है आपने नामधापा नेशनल पार्क के ऊपर, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जो नामधापा नेशनल पार्क है, अरुणाचल प्रदेश वन ऑफ द रिचेस्ट एरियाज इन बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है ये। ठीक है, और इट इज द लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया इन द ईस्टर्न हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, याद रखिएगा, लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया इन द ईस्टर्न हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ठीक है, और कब इस्टेब्लिश हुआ था नामदापा नेशनल पार्क? वॉज इस्टेब्लिश इन 1983। ठीक, और लोकेशन क्या है इसकी? लोकेटेड बिटवीन द डफा बम रेंज ऑफ द मिसमी हिल्स।
एंड द पटकई रेंज, एक पटकई रेंज है, पटकई रेंज विद अ वाइड एल्टीट्यूड रेंज बिटवीन 200 मीटर एंड 4571 मीटर, ठीक है। और क्लाइमेट कैसा है यहाँ पे, क्लाइमेट जो है रेंज आपका वो ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल टेम्परेट एंड आर्कटिक क्लाइमेट है यहाँ पे, ठीक है। इज इट क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द लहुगला किटुलाना नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच कंट्री? कल मैंने बताया था आप लोगों को, देखिए इसमें कि कल जो बताया था उसमें कोई लिस्ट में मिल रहा है। लहुगला किटुलाना नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच कंट्री? इंडिया, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश। ठीक है, तो इसका जवाब क्या है? इसका जवाब है श्रीलंका। तो लहुगला किटुलाना नेशनल पार्क इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क इन श्रीलंका, ठीक है। और किस लिए? श्रीलंकन जो एलिफेंट है, एंडेमिक बर्ड्स ऑफ श्रीलंका, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ब्रैकिस वाटर लैगून इन एशिया? चिल्का लेक, लोकतक लेक, बुलर लेक, नल सरोवर। जल्दी बताइए इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ब्रैकिस वाटर लैगून इन एशिया? ठीक है, आंसर क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग? चलो देखते हैं इसका आंसर। आंसर इज ए, चिल्का लेक। ठीक है, चिल्का लेक इज द बिगेस्ट वाटर लेगून स्पीड ओवर द पुरी, खुर्दा एंड गंजम डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उड़ीसा स्टेट। उड़ीसा में है चिल्का लेक। इट इज द लार्जेस्ट बिगेस्ट वाटर लेगून इन एशिया एंड स्ट्रेचेस। ठीक है, याद रखिएगा इसको। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लाउडेड लियोपार्ड नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ठीक है, क्लाउडेड लियोपार्ड नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम, त्रिपुरा। इसका आंसर है क्या? त्रिपुरा। क्लाउडेड लियोपार्ड नेशनल पार्क इज ए नेशनल पार्क इन द सिपाही झोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, त्रिपुरा में है ये। ठीक है, याद रखिएगा इसको। क्लाउडेड लियोपार्ड नेशनल पार्क लोकेटेड इन त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन। उमियम लेक इज ऑल्सो नोन एज बारापानी लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट? उमियम लेक ऑल्सो नोन एज बारापानी लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट? मेघालय, आसाम, सिक्किम, त्रिपुरा। देयर आर फोर ऑप्शंस। करेक्ट आंसर इज मेघालय। तो जो उमियम लेक इज ए रिजर्वायर लोकेटेड इन द हिल्स ऑफ नॉर्थ शिलोंग स्टेट मेघालय। ठीक है, और टूरिज्म वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, टूरिस्ट वगैरह बहुत आते हैं। ठीक है, किसके लिए? स्कूटिंग वगैरह, बोटिंग के लिए, वाटर साइकिलिंग के लिए एंड कैकिंग के लिए, ये सब के लिए आप टूरिस्ट मोस्ट टूरिज्म बहुत ज़्यादा यहाँ पे फेमस है यहाँ पे। तो याद रखिएगा उमियम लेक इन मेघालय। आगे बढ़ते हैं। द इंद्रावती नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ये बता दीजिए, कल बताया था मैंने आपको। इंद्रावती नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? छत्तीसगढ़, कर्नाटका, पंजाब, असम। द इंद्रावती नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? छत्तीसगढ़, कर्नाटका, पंजाब, असम।
आंसर इज छत्तीसगढ़। इंद्रावती नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन छत्तीसगढ़। कौन सी, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में है ये, छत्तीसगढ़ बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, लोकेटेड इन बीजापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, और बताया था मैंने कि इंद्रावती नेशनल पार्क किसके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाला था किसके लिए, पॉपुलेशन ऑफ रेयर वाइल्ड बफेलोज के लिए। ठीक है, और यहाँ पे और भी हैं, मतलब यही नहीं कि टाइगर्स हैं, लियोपार्ड्स हैं, इंडियन बाइसन है, नीलगाय जो बोलते हैं इसको यहाँ पाई जाती हैं, ब्लैक बक है, चौसिंगा है, सांबर है, चीतल, इंडियन वन जैक वगैरह ये सब हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द गंगोत्री नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। गंगोत्री नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। द आंसर इज उत्तराखंड। गंगोत्री कहां पे है, उत्तराखंड में है। ठीक है, और कहां पे जो अपर कैचमेंट है किसका, भागीरथी रिवर का, वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10, द केवला देव नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। केवला देव नेशनल पार्क कल बताया था मैंने आप लोगों को, लोकेटेड इन विच स्टेट, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। आंसर इज डी, राजस्थान। केवला देव नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन राजस्थान। ठीक है, और किसके लिए यहां पे मैं बता रहा हूं आपको, द पार्क इज फेमस फॉर फौना सेंचुरी दैट होस्ट थाउजेंड ऑफ बर्ड्स स्पेशली ड्यूरिंग द विंटर सीजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द मृगवाणी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। मृगवाणी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना। मृगवाणी नेशनल पार्क, तो आंसर देखते हैं इसका डी, तेलंगाना। मृगवाणी याद रखिएगा, ये तेलंगाना से रिलेटेड है, तो हो सकता है आ जाए एग्जाम में। द मृगवाणी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन चिलकूर, हैदराबाद, तेलंगाना स्टेट। ठीक है, और यहाँ पे कौन से, चीतल, सांबर, वाइल्ड बोर, जंगल कैट, ये सब नाम भी नहीं सुनोगे, नाम बहुत अजीब लग रहे होंगे आप लोगों को, बट ये सब भी पाए जाते हैं। ठीक है, हमने बस कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गधा ही सुन रखा है, ये सब नाम भी होते हैं, पढ़िए, जानिए अपने कंट्री को। ठीक है, रसल वाइपर और हाँ किंग कोबरा यहीं पाए जाते हैं, इसमें भी नेशनल पार्क में, मृगवाणी नेशनल पार्क, रसल पाइथन, रसल वाइपर और किंग कोबरा, ये तीनों प्रजातियां हैं सांप की। आगे देखते हैं, द सिपाही जाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कल बताया था मैंने इसके बारे में, इज लोकेटेड इन विच स्टेट, उड़ीसा, केरला, त्रिपुरा, मणिपुर। उड़ीसा, केरला, त्रिपुरा, मणिपुर। करेक्ट आंसर है इसका त्रिपुरा। सिपाही जाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन विशलगढ़, त्रिपुरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द पालामाऊ टाइगर रिजर्व PTR इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तमिलनाडु, झारखंड, पंजाब, हरियाणा। पालामाऊ टाइगर रिजर्व, तमिलनाडु, झारखंड, पंजाब, हरियाणा। तो जो पालामाऊ टाइगर रिजर्व, इट इज लोकेटेड इन झारखंड। ठीक है, टाइगर के अलावा यहाँ पे एलिफेंट भी है, लियोपर्ड भी है और सांबर्स एंड वाइल्ड डॉग्स भी हैं। ठीक है, फिर देखते हैं था चितवन नेशनल पार्क CNP इज लोकेटेड इन विच कंट्री। इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल। आंसर इज नेपाल। ठीक है, ये भी आसपास याद रखिएगा, पूछे नहीं जाएंगे वैसे, आप लोग याद रखिएगा इसको।
द कालेसर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? केरला, मणिपुर, पंजाब, हरियाणा. द कालेसर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? केरला, मणिपुर, पंजाब, हरियाणा. आंसर इज डी, हरियाणा. द कालेसर नेशनल पार्क कैन बी इज अ प्रोटेक्टेड एरिया इन यमुना सागर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा एंड कवर्स 13,000 एकर्स. इट इज अ पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर लियोपॉड एंड होम टू रेड जंगल फॉल अमॉन्ग देयर बर्ड्स. ठीक है, लोकेशन पूछेंगे आपसे, आपसे नहीं पूछेंगे कौन सा एनिमल कहाँ पे पाया जाता है, ये नहीं पूछेंगे. बस लोकेशन पूछेंगे स्टेट कौन से स्टेट में, इतना ही याद रखना है आप लोगों को. आगे देखते हैं. बट होता क्या है ना जीके में, अगर जैसे आप डायरेक्ट याद रखोगे कालेसर नेशनल पार्क इज इन हरियाणा, तो हो सकता है एक डेटा हुआ, एक डेटा में हो सकता है आप याद रहे आपको भूल जाओ. इसके बाद इससे रिलेटेड कई डेटा आप लोग याद रखा करिए, तो कहीं ना कहीं से लिंक हो गया, आप लोगों को वो चीज़ याद आ जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश. पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश. करेक्ट आंसर इज हरियाणा. द भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज अ प्रोटेक्टेड एरिया इन झज्जर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा एंड कवर्स एन एरिया ऑफ 411.55 हेक्टेयर्स. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. द सिंगबा रोडोडेंड्रॉन सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? रोडोडेंड्रॉन इज लोकेटेड इन विच स्टेट? मणिपुर, असम, सिक्किम, वेस्ट बंगाल. करेक्ट आंसर इज सिक्किम, नाम से लग रहा था. ठीक है, द सिंगबा रोडोडेंड्रॉन सेंचुरी इज नेचर पार्क इन द यमथांग वैली ऑफ फ्लावर्स नॉर्थ ऑफ लचुंग इन नॉर्थ सिक्किम डिस्ट्रिक्ट एंड कवर्स एरिया ऑफ 43 स्क्वायर, छोटी सी है, 43 स्क्वायर किलोमीटर. छोटी नहीं है मतलब औरों की अपेक्षा में छोटी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंद्रावती नेशनल पार्क में, इंद्रावती फिर से आ गया, क्वेश्चन रिपीट हो गया है. तो इंद्रावती नेशनल पार्क लोकेटेड इन छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में है इंद्रावती नेशनल पार्क, बता चुका हूँ उसके बारे में. ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं. द नगजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, नागालैंड. बताइए जल्दी से आंसर करिए इसका. महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, नागालैंड. आंसर इज महाराष्ट्र. नेक्स्ट क्वेश्चन, द डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल. डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल. आंसर इज झारखंड. ठीक है, जमशेदपुर में है, सिटी ऑफ जमशेदपुर इन झारखंड. ठीक है, टिम्बर जो टिम्बर वगैरह था ना, टिम्बर वगैरह केसेस, टिम्बर माफिया वगैरह केसेस थे, वो यहीं से हुए थे, डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से. तो टिम्बर बहुत है यहाँ पे, वो इस कटिंग वटिंग और सब काफ़ी माफिया थे यहाँ पे, बहुत लोग इन्वॉल्व थे इसमें. ठीक है, फिर बात करते हैं. द कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, झारखंड, मणिपुर. कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, झारखंड, मणिपुर. आंसर इज आंध्र प्रदेश. द कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एस्चुरी इज सिचुएटेड इन आंध्र प्रदेश. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ये बताया था, द डिब्रूगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड, केरला. डिब्रूगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड, केरला.
आंसर इज उड़ीसा. द डिब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन बारागढ़ डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा एंड कवर्स इन एरिया ऑफ एरिया नहीं याद रखना है आप लोगों को, ठीक है, जगह याद रखनी है बस. बाकी डिटेल आपको पढ़ना चाहें लोग पढ़ सकते हैं, इसमें दे रखी नीचे. आगे देखते हैं, द बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान. रिप्लाई नहीं आ रहा आज आप लोगों के, कोई बात नहीं. द बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान. आंसर इज मध्य प्रदेश. तो बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश. आगे देखते हैं, द मेलकोटे टेम्पल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कर्नाटका, छत्तीसगढ़, केरला एंड उड़ीसा. आंसर इज कर्नाटका, ठीक है. मांड्या डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका की, वहां पे है ये, ठीक है. नेक्स्ट, द मैनम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सिक्किम, छत्तीसगढ़, केरला, नागालैंड. ऑप्शन इज ए सिक्किम, ठीक है. द मैनम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन साउथ सिक्किम डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिक्किम, ठीक है. यहाँ पे वॉकिंग डियर, रेड पांडा, मार्वल्ड कैट और वर्ड्स एंड कैमल्स, बैटरीज, बुलेट फीजेंट, मैगपीज, ब्लू नेक पीटा, सन बर्ड एंड ब्लैक ईगल, ये सब आ जाते हैं यहाँ पे एनिमल्स, ठीक है. ये मैंने आपको बताया था, अचानक मर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी छत्तीसगढ़. अचनकपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन मुंगेली डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है. यहाँ पे पाए जाते हैं क्या, बंगाल टाइगर, यहीं पे अचनकपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में. नेहा सिंह है, ठीक है. और यहाँ पे आपका ब्लैक बक, ठीक है, चिंकारा एक बोलते हो, चिंकारा भी यहीं पर मिलता है, और नील गाय तो मिलती है यहाँ पे, एंड फोर हॉर्न्ड एंटीलॉप ये यहाँ पे मिलता है, ठीक है. इंडियन जैकॉल जो सियार बोलते हैं वो भी मिलता है यहाँ पे. आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब. द करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब. द करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश, ठीक है. आगे देखते हैं, द छिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सिक्किम, मिजोरम. बेटा इसका आंसर ये है, आगे देखते हैं, द छिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सिक्किम, मिजोरम, हरियाणा, नागालैंड. इसका आंसर करिए जल्दी से. करेक्ट आंसर इज सी हरियाणा, ठीक है. कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा में पाई जाती है छिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है. और ऐसा माना जाता है कि महाभारत के टाइम पे जब पांडव जो थे यहाँ से जो निकले थे हरिद्वार के लिए, मतलब एक टनल है वहाँ से निकले थे, ठीक है. तो यही माना जाता है इसी से निकले थे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, ठीक. नेक्स्ट, द टॉप चांची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तब चांची ऐसे कुछ नाम है, तब चांची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? केरला, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड. करेक्ट आंसर इज झारखंड, ठीक है. तो ये थे कुछ क्वेश्चंस आपके, बाकी आप लोग कल वाली क्लास इन्होंने नहीं की वो कर लीजिएगा, रिवाइज करिएगा, और जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो इसी टाइप से आएंगे, कुछ अलग से नहीं आएंगे. मेनली आपसे स्टेट ही पूछा जाएगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क का और जितनी हेरिटेज साइट्स हैं उसका, एक क्वेश्चन तो आना ही आना है यहाँ से, ठीक है. कोई भी आपसे स्पीसीज नहीं पूछी जाएगी कौन सी वहाँ पर पाई जाती है, ठीक है. ये थोड़ा डीप हो जाएगा, सिर्फ आपसे क्या होगा जगह पूछी जाएगी,
तो आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप लाइक करिए उसको और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए आगे के और क्लासें लेने के लिए। ओके, थैंक यू।